आने अस्सलाम हजरत उमर रजी अल्ला तहों के ज़माने का एक बहुत अजीब वाकया अपने बहुत से बुज़ुर्गों से सुना है जब हज़रत अमर आस रज़ी अल्लाह तहों ने मिसर फ़तः किया और इसके गवर्नर बने तो कुछ अर्सा बाद का महीना आ गया ये माह जून का कुबती नाम है महीना के शुरू होते ही मिसर के कदीम कुबती बाशिंदे एक वफद बनाकर हज़रत अमर बिन आसरजी हो के पास आए और कहने लगे कि जनाब अमीर हमारे दरियाए नील को एक आदत ऐसी पड़ी हुई है कि अगर इसे पूरा ना किया जाए तो वो चलना बंद हो जाता है हज़रत अमर बिन आस अल्लाह तों ने पूछा अच्छा ऐसी क्या आदत है वो वफद कहने लगा आदत यह है कि बोना का महीना कि बारह रातें पूरी हो जाती हैं तो हम एक नौजवान दोशीज़ा को तलाश करके इसके वालदेन को राज़ी करते हैं और इसे बेहतरीन सेवर और कपड़ों से आरास्ता करके यानी दुल्हन बनाकर दरिया में डाल देते हैं इसके बाद दरियाए नील खूब बहने लगता है हज़रत अमर बिन आस रजी अल्लाह तहों ने फरमाया इस्लाम में तो ऐसा नहीं हो सकता इस्लाम तमाम पिछली जाहिलाना रस्मों को ख़त्म करता है वफ़द यह सुनकर चला गया लेकिन हुआ वाकता यही कि जैसे ही बोना यानि जून और जलाई और अगस्त तीनों महीने गुजर गए और दरियाए नील खुश्क पड़ा रहा यहाँ तक के लोग वहाँ से दूसरे मकाम की तरफ जाने का इरादा करने लगे हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तहों ने जब यह देखा तो हज़रत उमर रजी अल्ला को ख़त लिखकर मशवरा तलब किया हज़रत उमर रजी अल्लाह तहों ने जवाब दिया कि तुमने ठीक किया इस्लाम तो वाकई पुरानी जाहिलाना रस्मों को मनहम करता है मैं तुम्हारे पास एक पर्चा भेज रहा हूँ इसे दरियाए नील में डाल देना हज़रत अमर बिन आस रजी अल्लाह तहों को जब वो पर्चा मिला तो वो आपने पर्चा खोल कर देखा इसमें लिखा था तर्जुमा अल्लाह के बन्दे अमीराममिन उम्र की तरफ से मिसर के दरियाए नील के नाम हम दो सलाद के बाद अगर तू अपनी मर्जी से बहा करता है तो बहना बंद कर दे और अगर खुदाए वाद व कहार है जो तुझे चलाता है तो हम इसी खुदाए हार से दुआ करते हैं कि वो तुझे बहने पर मजबूर कर दे हज़रत अमर बिन आस रजी अल्लाह तुमों ने के पर्चा नसारा की ईद सुलेब से एक दिन पहले दरिया में डाल दिया मिस्र के बाशिंदे वहाँ से भागने की पूरी तैयारियाँ कर चुके थे इसलिए कि इनकी ज़िंदगी का दारो मदार ही नील के पानी पर था लेकिन ईद सलीब के दिन जब सुबह को जाकर देखा तो दरियाए नील पूरी आबोताब के साथ बहना शुरू हो चुका था और एक रात में पानी की सतह सोलह ज़रा बुलंद हो गई थी सुबह नल्ला जजाकल्लु कसीरा